पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, सीधे निवेश करने वाले लोगों के पास खुद शेयर खरीदने बेचने का विकल्प रहता है, पर म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अपने फंड मैनेजर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में सर, जब बाजार में गिरावट आती है जैसा हम मौजूदा दौर में देख भी रहे हैं, तो कोई म्यूचुअल फंड निवेशक इसका फायदा उठाने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, एक तो ये निवेशक को समझना चाहिए कि ये मार्केट का स्वभाव है कि वो गिरता बढ़ता रहेगा। जी और आप देख सकते हैं कई बार कि एक एक साइकिल 2-3 साल तक चलती है, तो जो बुलिश मार्केट होता है वो 2-3 साल तक चलता है, बेरिश मार्केट शायद आधा शार्प होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसमें फंड मैनेजर्स ने जो आजकल वैसे कैश कॉल तो कम ही लोग लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी समझ और उनकी परख उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और जो पैसा आपने लगाया है वो आप निश्चिंता से आप उस पर बैठे रहें, और आपका जो निवेश का समय है, निवेश का जो समय है वो 3 से 5 साल होना चाहिए, जिससे कि हम एक साइकिल को निकल के दूसरी साइकिल में घुस जाए, तब आप निकाले तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, बाजार में कोई गिरावट आ भी जाती है, तो जिस फंड मैनेजर पे आपने भरोसा किया है या दाव लगाया है कि वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है आपके पूरे फंड का, तो उस पर आप भरोसा अपना बनाए रखिए। और कम से कम जब आप निवेश करते हैं तो बाजार में 3 से लेकर 5 साल का नज़रिया कम से कम ले, ताकि आप एक जो पूरा तेज़ी का साइकिल है उसे एंजॉय कर सके। ये हमें संदीप सर बता रहे हैं। सर, अब ये ऐसा माना जा रहा है कि मार्केट बेरिश जोन में पहुंच गया, यानी कि हाई से 20% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, तो क्या ऐसे में निवेशकों के लिए SIP टॉपअप का जो विकल्प है उसे चुनना सही रणनीति होगी? ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है सर म्यूचुअल फंड्स में? तो SIP टॉपअप का ऑप्शन रहता है लोगों के पास कि वो एक प्री डिफाइंड पीरियड में वो अपना जो नॉर्मल SIP है वो बढ़ा सकते हैं उसको एक्युमुलेट करके। नाउ इसमें पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि जो पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है वो आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 3 से 5 साल आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है। जी। तो टॉपअप आप तभी करें जब कि आपको लगे कि ये जो टॉपअप का पैसा है वो भी आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मेरा मानना है कि ये कहना काफी डिफिकल्ट है, काफी कठिन है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा कि नहीं गिरेगा। देखिए, पहले के मुकाबले डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया है, लेकिन ग्लोबल अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन ग्लोबली काफी बढ़ा हुआ है और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। और यही नहीं, बट US जो फेड रिजर्व है वो अपनी बैलेंस शीट कम करेगा, यानी कि वो ग्लोबल लिक्विडिटी कम करेगा। जी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें, ये आई थिंक दुनिया में किसी को पता नहीं, बिकॉज ये पहली बार होगा जब US फेड अपनी बैलेंस शीट जो अभी $9 trillion के आसपास, शायद 2-3 साल में वो 7 या 6 trillion पर, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि 5 महीने से FIIs जो है वो बेचे जा रहे हैं, और ये यूक्रेन के वॉर के पहले से शुरू हो गया है। हो सकता है कि काफी सारी लीवरेज पोजीशंस कट रही है दुनिया भर में, उसका इम्पैक्ट भी हमें पता नहीं है। तो आप थोड़ा रिस्की टेकर हैं तो आप टॉपअप कर सकते हैं, अदरवाइज जो SIP का कॉन्सेप्ट है कि आप हर भाव पे पीरियोडिकली खरीद रहे हैं एक सेम अमाउंट जी, तो उस पर भी अगर लगे रहे तब भी ठीक है। ठीक है सर, ये तो बात होगी कि बाज़ार में कितनी गिरावट आ सकती है या गिरावट का कारण क्या है, कि फेड अपनी जो बैलेंस शीट है उसको रिड्यूस कर रहा है, अपने जो बॉन्ड्स हैं जो उन्होंने पहले कभी खरीदे थे बाजार को सहारा देने के लिए, अब वो बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उससे लिक्विडिटी में कमी हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सर, जो मैं पूछना चाह रहा था, कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें, 3 से 5 साल का नज़रिया आपको रखना है, तो उस लिहाज से आपको बेचना तो नहीं है, ये बात तो साफ है। सवाल ये है कि जब आप 3 से 5 साल के लिए खरीदने के लिए कह रहे हैं, जब बाजार में गिरावट हो रही है, तो क्या उस गिरावट का जो मौका है उसे भुनाने के लिए और निवेश करना चाहिए टॉपअप के जरिए? ये हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, टॉपअप अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है 5 साल का, तो आप टॉपअप कीजिए, अदरवाइज अपने आप को स्ट्रेच करके आप टॉपअप मत कीजिए। हो सकता है कि आज से ज्यादा बड़ी मौका आपको शायद बाद में मिले, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट
पूरी तरह से करेक्ट हुआ है या जैसे मैं आपको बताता हूँ 2008 में आखिर काफी करेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद का जो आखिरी स्टेज था जी उसमें मार्केट में करीब 10-15% और गिरावट आ गई थी। तो हमें देखना चाहिए कि ये ग्लोबल साइकिल जो है इट कैन बी वो काफी दुखदाई हो सकती है। हाँ खाली लोकल मार्केट पे फोकस हम अपनी लोकल मार्केट पे करते हैं, जी जो पर्सपेक्टिव हमें बाहर बाहर वालों का भी देखना चाहिए। तो वो भी 2.5 लाख को बेचा है अगर उन्होंने तो उस सोच समझ के ही बेचा है, तो मेरे ख्याल से उतना ही उतने में भी कोई खराबी नहीं है। आप SIP जारी रखिए लेकिन ज्यादा अगर स्ट्रेच करके मत बढ़ें। मैं समझ गया आपकी बात सर कि कोई नहीं इस चीज़ को डिफाइन कर सकता है या अंदाज़ा लगा सकता है कि बाज़ार कहाँ तक गिरेगा और कब जाके बॉटम बन जाएगा। तो उस लिहाज से अगर कोई SIP कर रहा है तो केवल ये देख के ना करे, टॉप अप ना करे कि बाज़ार गिर गया है तो मुझे अपना पैसा बढ़ाना ही है SIP में। अपना रिस्क को देखें और दूसरी बात इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो ही आप अपना टॉप अप करें, और आपको स्ट्रेच करके यानी कि उधार लेके या कहीं से पैसा दूसरी जगह से कहीं से उगा के आपको SIP का टॉप अप नहीं करना है, केवल इस वजह से कि बाजार में गिरावट हो चुकी है। अब सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्ट्रेच नहीं करना है आपको अगर SIP का टॉप अप करना है, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि क्या जब कोई SIP का टॉप अप करता है तो क्या कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होता है कि मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 की SIP कर रहा है तो उसमें फिर वो 11,000 तक ही कर सकता है या फिर 12,000 तक ही कर सकता है और उसके बाद वो जो बढ़ने का सिलसिला है वो अपने आप रुक जाएगा वहां पे जाके? ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग नीति हो सकती है। तो वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी पॉलिसी चेक करना बेटर रहेगा। तो मुझे ये पक्का पता नहीं है कि कौन सी म्यूचुअल फंड क्या नीति है या क्या नियम है उसके बारे में। हमने तो अभी तक इक्विटी फंड लॉन्च किया नहीं है तो हमारा डेट में तो कोई टॉपअप करता नहीं है। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक तो बात होगी सर बाजार में गिरावट है उसमें निवेशकों की कैसी रणनीति होनी चाहिए, खासतौर पे अगर कोई म्यूचुअल फंड निवेशक है। अब यहाँ पे सिनेरियो इस तरह से भी बदल रहा है कि 4 मई से RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ने जो ब्याज दरें हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बन रहा है उसमें निवेशकों के लिए क्या किसी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये सही समय बनता है या उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश के बारे में विचार करना चाहिए? देखिए पहले तो आप देखो एलोकेशन कर लेना चाहिए कि आपको डेट में कितना रखना है क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। वो गिर सकता है लेकिन वो इक्विटी की मात्रा में उसकी गिरावट कुछ भी नहीं है। ठीक है और कितनी आप इक्विटी में रखना है तो वो एलोकेशन पे हमें बहुत ज्यादा उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया कि 40% आपको डेट पे रखना है। अब डेट में पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 2 साल का इंटरेस्ट था जैसे 5.5%, अब वो होके बढ़ के 7% हो गया। जी मुझे लगता नहीं है कि आप अगर 2 साल के बॉन्ड या 2 साल के फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई नुकसान होगा। और मेरे ख्याल से 7% का उसमें रिटर्न आना चाहिए। तो हालांकि मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन बहुत ही जिद्दी है और ये जिस प्यारे प्यारे तरीके से RBI उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और उससे वो इतना नीचे आएगा नहीं, तो उसको थोड़ा और टाइट करने के लिए उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। और US में दे है उनको समझ में आ गया है कि ये इसको मैंने उन्होंने कह दिया है कि जो कुछ भी हो जाए हम इन्फ्लेशन के पीछे पड़ जाए हैं कम कर देंगे। हमारे हर मुमकिन कदम उठाएंगे। रेगुलेटर्स अभी भी थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस बने रहेंगे, इन्फ्लेशन जारी रहेगा और ये साइकिल लंबी जाएगी। और ये इस टाइम पे मैंने देखा है कि जो 10 ईयर यील्ड होती है गवर्नमेंट की वो 2.5% ऊपर ट्रेड होती है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से। तो अच्छा अभी हम 5.5-6 का एक्सपेक्टेशन करें तो 8.5 का बनता है उसका फेयर रेट। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा लंबे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मान ना करें। आप 2 साल तक के फंड्स में बैंकिंग NPSU रोल डाउन फंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स इनमें निवेश कर सकते हैं जिसमें कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर गया भी तो आपको तकलीफ नहीं आएगी और आप इस दौर पे आप 6.5-7% आप आराम से पहुंच सकते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक तो आपकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड होती है वो आपका जो इन्फ्लेशन होता है उसके 2.5% ऊपर रहती है, और ये जो साइकिल शुरू हुआ है इंडिया में रेट हाइक का RBI की ओर से,
ये शायद लंबा खींच सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत जिद्दी है। तो उस लिहाज से आपको करना क्या है, आपको 2 साल के जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं उनमें निवेश करना है, ये हमें संदीप सर राय दे रहे हैं। चलिए सर, ये तो हमने मार्केट के सिनेरियोज की बात कर ली, एक तो गिरावट का दौर है, दूसरा राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है। थोड़ा इससे अलग हटके एक सवाल और भी है सर, कि अगर कोई निवेशक किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में फंस गया है जो काफ़ी समय से अच्छा प्रदर्शन ना कर रहा हो, यानी कि किसी गलत फंड में या खराब प्रदर्शन वाले फंड में फंस गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके पास स्विच करने के या बदलने के किस तरह के विकल्प हैं सर, किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड निवेशक के पास जिसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत फंड का चुनाव कर लिया है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो पहले तो आप जांच कर लें कि वो फंड वाकई में खराब कर रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि बाकी फंड्स ने भी खराबी किया हो, तो पहले तो आप देख लें कि हाँ भाई इस फंड की प्रॉब्लम है, फंड मैनेजर की प्रॉब्लम है या जनरल प्रॉब्लम है। अगर कोई फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर आपने उसको ऑलरेडी 2-3 साल दे दिए हैं और फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको विकल्प तो यही है कि आप उसमें से पैसा निकाल दीजिए और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। तो अभी लोग टिपिकली जो हमारा सोचना होता है, लोगों का सोचना होता है कि हम पुराना रिकॉर्ड देख के इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड बोलते रहते हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड है वो इंडिकेशन नहीं है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा अगर उस पर रिसर्च करें एंड जैसे आपके चैनल पे भी आई एम श्योर आप लोग बताते होंगे कि कौन से फंड अच्छा कर रहे हैं, तो यही अच्छी एडवाइस दे के जहाँ पे फंड मैनेजर स्टेबल है और उसकी स्टाइल आपको सूट करती है और उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे आप डालिए। तो इसमें थैंकफुली ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार डाल दिया तो वो फंस गया है, पर फंस गया तो निकल भी सकता है, ठीक है, और निकलने में कोई हानि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के राय यही है कि अगर आप किसी गलत फंड यानी कि खराब प्रदर्शन या आपकी उम्मीद से कम प्रदर्शन वाले या रिटर्न वाले किसी फंड में फंस गए हैं, तो पहली बात तो संदीप सर हमें ये बता रहे हैं कि आप उस फंड से स्विच कर सकते हैं, निकल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप निवेश करते ही हैं, स्टार्टिंग में ही जब आप पहले अपना निवेश बनाने का मन बना रहे होते हैं, तो उस समय आप फंड मैनेजर को देखिए, उसके स्टाइल को देखिए, उसके प्रदर्शन को देखिए, क्या आपकी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपका स्टाइल है, जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या उससे उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो मैच किया है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख लीजिए, तभी आप अपने जो फंड है उसका चुनाव करें।